ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने बात किया था कि ब्लड प्रेशर को 10 मिनट में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वहां पे हमने उसे आनंद मदिरासन, जो कि वज्रासन में किया जाता है। अब सवाल यह था कि कुछ लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए क्या है। तो आज मैं ऐसे कुछ योग बताऊंगा आपको जो बहुत ही सरल है। देखिए क्या होता है, जैसे ही तनाव स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो आज आपके आपकी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसे कम करना है। और ब्लड प्रेशर को कैसे, हाई बीपी को जिनको तकलीफ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लो बीपी, बट हाई बीपी को जिनको तकलीफ है, हाई बीपी वालों को आज का प्राणायाम योगा करना है। बहुत आसान तरीका है, आइए करते हैं इसे बहुत जल्दी जल्दी। अभी यहाँ पे जो आपको करना है, फिर से वज्रासन में करना है, लेकिन थोड़ा टेक्निक अलग है। हमें किस तरह से करना है, सांसों के प्रति जागरूक रहते हुए, ब्रेथ को बहुत ही अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करते हुए। लेट अस डू नाउ। सबसे पहले आपको फिर से ऐसे वज्रासन में आ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठ गए। अब थोड़ा इनहेल करेंगे, हम पीछे की तरफ जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ जाना है, और अपने सर को इस तरह से टिका देंगे और रेस्ट करेंगे। अपने फोरहेड को इस तरह से, फोरहेड को दोनों हाथों के ऊपर मुट्ठी बांधते हुए रखना है, रिलैक्स करना है। एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों को देखना है, आंखें बंद रखते हुए महसूस करना है। इस पोजीशन में रहना है आपको। लगभग एक 3 मिनट तक यहाँ आपको रुकना है, अप्रोक्सीमेट टाइम, या जब तक आपको ठीक लगे। आप 5 मिनट भी रुक सकते हो, और फिर धीरे से आपको पोज से निकल जाना है। यू कैन टेक योर ओन टाइम, 3 से 5 मिनट आप ये कर सकते हो, और उसके बाद फिर हमें दंडासन में आ जाना है। इस तरह से दोनों पैरों को आपको सामने की तरफ, और फिर यहाँ पे हम कुशन या तो कोई लोडर ले लेंगे। फिलहाल मैं लोडर ले रहा हूं, 2 लोडर या कुशन आपको लेना है, ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब करना क्या है, इसको आपको थोड़ा इस तरह से रखना है, मतलब ऊपर की तरफ। आप पिलो ले सकते हो, कुशन ले सकते हो, जो चाहिए वो ले सकते हो, और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है। मैंने किस तरह से रखा, इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके जो चिन है उसको आप ऐसे रख दोगे और रिलैक्स करोगे। इस तरह से आपको रिलैक्स करना है। अब यहाँ पे जो ब्रेथ है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, फ्रॉम योर हार्ट रीजन, यानी हृदय से लेके दोनों नासिका तक, और नासिका से लेके हृदय तक, फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द हार्ट रीजन, फ्रॉम हार्ट रीजन टू द नॉस्ट्रिल। यू क्लोज योर आईज एंड ड्रॉप योर चिन ऑन लोडर और पिलोस या कुशन, जो भी आपका होगा, और दोनों हाथ इस तरह से होने चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। देखिए ये उंगलियां हैं, ठीक है, इस तरह से एग्जैक्टली इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है हमें, इस तरह से, ठीक है। मैं वापस से, और ऐसे हम रेस्ट करेंगे।
रिलैक्स। आपको जब तक ठीक लगे तब तक आप इसे थोड़ा कर सकते हो और उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाना है। तो ये जो टेक्निक है आपकी, इस टेक्निक को आपको बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करना है, जैसे पहले वाला बताया मैंने उस तरह से, और फिर ये किए, और उसके बाद लास्ट में आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है ये आप सभी को पता है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो और थोड़ा मैं बता भी दे रहा हूँ। चिन मुद्रा आपको इस तरह से अंगूठा दाई नासिका पे, फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर टू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड फोर काउंट, होल्ड इट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड एक्सहेल इन सिक्स काउंट, अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट साइड इन फोर काउंट, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दिस इज द वन काउंट, अगेन इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट फोर काउंट, होल्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एक्सहेल फॉर द सिक्स काउंट फ्रॉम द राइट साइड, अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट साइड इन द फोर काउंट, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होल्ड एंड एक्सहेल इन द सिक्स काउंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू काउंट। इस तरह से आपको 9 राउंड करना है, इनहेल होल्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक्सहेल सिक्स काउंट, इनहेल फोर काउंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होल्ड एक्सहेल सिक्स काउंट, 9 राउंड करना है। इसमें आपकी तीनों नाड़ियां जो है कार्यरत हो जाती हैं इन द वर्किंग पोजीशन, चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड, सुषुम्न नाड़ी सेंटर ऑफ आवर बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जो है वहां पे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो है वो एक्टिव होती है, और सूर्य नाड़ी यानी कि राइट साइड की नाड़ी, तीनों नाड़ियां आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी में आ जाती है, लाइफ फोर्स एनर्जी बॉडी के अंदर आ जाती है, ये आपको करना है। उसके बाद आराम से दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटने के ऊपर रखना है और थोड़ा सा चेहरे को ऊपर की तरफ चिन अप एंड रिलैक्स योर होल बॉडी एंड जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ। आराम से मन में जो भी विचार आ रहा है उसे आने देना है, नो वरीज, विचार आएंगे और जाएंगे। ये आपको 5 मिनट करना है। देखिए जिंदगी में तनाव आएंगे और जाएंगे, जी हाँ, तनाव तो नेचर की तरफ से आएगा, लाइफस्टाइल की तरफ से आएगा, तनाव का आना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन तनाव का जाना हमारे हाथ में है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। डिफिकल्टीज आर गोइंग टू कम, लेकिन उस डिफिकल्टीज को, उन परेशानियों को सॉल्व करने की क्षमता हमारे और आपके हाथ में है, वो शक्ति है, और वो शक्ति तब आएगी जब आप स्वस्थ रहोगे, आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे। लाइफ है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, जब से आपने जन्म लिया है तब से शुरू होती है, और जब तक हम यहाँ से जाते नहीं तब तक ये तकलीफ होगी। तो तकलीफ या प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, और वो हैप्पीनेस, वो खुशी तब मिलेगी जब हम साधना सत्संग और प्राणायाम में अपने आप को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस के साथ रखेंगे। सो ये था आज का सेशन फॉर एंजाइटी फियर और अपने ब्लड प्रेशर को, तनाव को कैसे कम करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी, फॉर वॉचिंग मी। कुछ भी आपके क्वेश्चन रहेंगे तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स, वेटिंग फॉर दैट। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।